हाय एवरीवन, दिस इज रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी से सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की प्रमुख स्रोत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भारतीय जो संविधान है वो हमारा संविधान सभा द्वारा बनाया गया। संविधान सभा द्वारा बनाया गया, इसके क्या क्या फीचर्स थे वो चीज़ें हमने पढ़ ली, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, ठीक है, क्या क्या विशेषताएँ थी हमारे भारतीय संविधान की। अब हमने भारत का जो संविधान था वो कहाँ कहाँ से लिया, ऐसा तो है नहीं कि हमने पूरा का पूरा संविधान, इतना बड़ा सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट है, तो हमने इतना पूरा का पूरा जो संविधान है वो अकेले बना लिया, ऐसा नहीं है। तो हमारे देश के जिन लोगों ने संविधान बनाया उन्होंने वो संविधान कई सारे देशों से लिया, तो कई सारे देशों से लिया, उन देश के बारे में पूछा जाता है एग्जाम। तो यहाँ पे वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, किसके देश से हमने हमारा संविधान लिया। दिस इज मी रक्षा रघुवंशी। अब हम देखते हैं, तो भारतीय संविधान विभिन्न देशों के प्रावधान से उधार लिया गया है, इसीलिए इसको उधार का संविधान बोलते हैं, ठीक है, उधार का थैला भी बोलते हैं, और देश की उपयुक्तता और जरूरतों के लिहाज से उसमें संशोधन किए गए हैं। अब हमने बाकी सारे देशों से ले लिया, बना लिया, उसके बाद उसमें कुछ और सुधार हो सके आगे चल के, हमारी जैसी जरूरतें उसके हिसाब से, जैसे जैसे चेंजेस होंगे, चेंजेस के साथ हमें चेंज होना होता है, तो वही वाली चीज़ है कि जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ता गया, जब जब जरूरत लगी तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए, उसको हमने संशोधन बोला, ठीक है। तो भारत का जो अभी संविधान है तो कई सारे संशोधन किए जा चुके हैं और लगातार चलते रहते हैं, ठीक है। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया, ज्यादातर जो भाग है वो आपका कौन से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, इससे ज्यादातर चीजें ली गई हैं हमारे भारत के संविधान की, ठीक है। तो पूरी संरचना इसी से है, ठीक है, संरचनात्मक भाग जो है वो इसी से लिया गया है। इसमें 200 प्रावधान, न्यायपालिका जो है वो हमने इससे ली है, कैग, लोक सेवा, ये सभी चीजें हमने इसी से ली है, ठीक है, 1935 भारत सरकार अधिनियम। अब कुछ चीज़ें हमने किसी किसी देश से ली हैं, कोई कोई सा नाम भी हमने लिया, इस तरह की चीज़ें हमने कुछ कुछ देशों से ली हैं। तो सरकार की संसदीय प्रणाली और कानून के नियम जैसे प्रावधान यूनाइटेड किंगडम यूके से लिए हैं, संसदीय प्रणाली, ठीक है। हमारे जो देश में संसद जो है उसमें दो सदन होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तो ये हमने यूके से लिया है। इसके बाद कानून के जो नियम है वो हमने यूके से लिए हैं, तो हमने यहाँ से काफ़ी कुछ लिया है। तो अब देखते हैं हमें किस देश से क्या क्या लिया। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से हमें सबसे ज़्यादा लिए हैं, ठीक है, ब्रिटिश संविधान जो था उससे हमने काफ़ी कुछ लिया है, क्योंकि इनका काफ़ी प्रभाव रहा हमारे ऊपर, ठीक है, हमारे ऊपर शासन था, हमने उन्हीं चीज़ों को देखा और हमने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से जो हमें लगी वो हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे देश में जो राष्ट्रपति होता है वो एक नाम मात्र का होता है। देखते हैं आप हमारे देश का पूरा हेड कौन है, तो हमारा कौन है, राष्ट्रपति है, लेकिन अगर वास्तविक हेड की बात करें हम तो कौन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो राष्ट्रपति तो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन में महारानी होती है वो नाम मात्र की होती है, तो ये चीज हमने कहाँ से देखा, ब्रिटेन से लिया। अब मंत्रिमंडल की व्यवस्था जो है वो भी हमने यहीं से ली, जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका मंत्रिमंडल होता है, वो व्यवस्था हमने किससे ली, ब्रिटेन से ली। प्रधानमंत्री का पद जो है वो हमने किससे लिया, ब्रिटेन से लिया। सरकार का संसदीय प्रकार, सरकार का जो संसदीय प्रकार है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति भी उसका एक मेंबर होता है, तो ये हमने किससे ली, ये भी ब्रिटेन से ली। अब दो सदन वाली संसद, अधिक कार्यकारी निचला सदन, निचला सदन मतलब कि लोकसभा, लोकसभा को हम लोअर हाउस, निचला सदन बोलते हैं, अपर हाउस किसको बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं। तो हमारी जो संसद है, संसदीय प्रकार है सरकार का, और जो संसद है वो दो सदन है, और जिसमें भी निचला सदन जो है, जो कि लोकसभा है, वो अधिक शक्तिशाली होगा, ऑब्वियसली ये लोग चुनकर आते हैं। तो ये सभी चीजें हमने ब्रिटेन से ली। तो राष्ट्रपति नाम मात्र का होगा, मंत्रिमंडल होगी, प्रधानमंत्री होंगे, संसदीय प्रकार होगा, दो सदन होंगे, उसमें निचला सदन ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है, ये सभी चीजें हमने ब्रिटेन से ली। मंत्रिपरिषद के निचले सदन के प्रति जिम्मेदार होना, मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा की होती है, ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स में ही वैसे ही मंत्रिपरिषद बनती है। क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, हम लोग वोट देते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये सभी लोग जो जीत के जाते हैं वो लोकसभा के मेंबर बन जाते हैं। अब लोकसभा के मेंबर्स में ही कुछ चुन के मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट होती है उसमें चुनकर जाते हैं, वो जो कैबिनेट होती है ना वो इसी लोकसभा के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो ये मंत्रिपरिषद जो है वो निचले सदन के लिए जिम्मेदार होगी, ऐसा ये हमने किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया है। लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में हमने किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता, हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है,
विधायी प्रक्रिया जो है हमने ब्रिटेन से ली है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझ ही आ रहे होंगी कि हमने क्या क्या चीजें ब्रिटेन से ली है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, दो सदन, मंत्री परिषद जो है, मंत्रिपरिषद किसके लिए जिम्मेदार है, निचले सदन के लिए, मंत्रिमंडल व्यवस्था, लोकसभा के अध्यक्ष, एकल नागरिकता और विधायी प्रक्रिया, ये सभी चीजें हमने ब्रिटेन से। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया? सबसे पहली चीज तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। कैसे याद रहेगा? अधिकारों की बात, अमेरिका सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो अधिकारों की बात तो पावरफुल इंसान ही कर सकता है, तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, अच्छी अच्छी चीजें हमने सारी अमेरिका से ली है। सुप्रीम कोर्ट हमने अमेरिका से लिया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता, न्यायपालिका और न्यायिक किसी चीज, न्यायिक समीक्षा जो है उसकी स्वतंत्रता हमने, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने किससे ली है? अमेरिका से ली है। सुप्रीम कोर्ट अमेरिका से लिया है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय की जजों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में भी हमने अमेरिका से लिया है। इनकी इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है, इसके बारे में भी हमने अमेरिका से लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजेस को हटाते कैसे हैं, मतलब सारा का सारा ये जो जुडिशियरी से रिलेटेड हो गया वो हमने कहाँ से ले लिया? अमेरिका से ले लिया। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से ले लिए। अब देश की कार्यकारी प्रमुख, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बोलते हैं ना देश के कार्यकारी प्रमुख को, ठीक है, नाम मात्र के, और वह सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा। तो ये तो ठीक है ना, ये हमने किसे ले लिया था? राष्ट्रपति नाम मात्र का होगा, ब्रिटेन से ले लिया। अभी जो राष्ट्रपति होंगे वो सैन्य बल, जो भी तीनों सैन्य बल हैं उनके सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ये हमने अमेरिका से लिया है। तो ये भी अच्छी चीज हो गई, तो हमने ये चीज अमेरिका से ली। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के तौर पर उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं, तो ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। तो आपको कैसे याद रहेगा? मौलिक अधिकार, अधिकारों की बात, राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का क्या हो गया? प्रमुख हो गया, सर्वोच्च कमांडर हो गया, ये अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका के जो जजेस हैं उनको हटाना, ये सब हमने अमेरिका से ले लिया। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के बारे में भी हमने अमेरिका से लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूएसएसआर की। यूएसएसआर जो अभी रशिया है, पहले यूएसएसआर था, तो काफी सारे देश बाद में से हट गए, अलग होगा, टूट गया ये, अभी इसको यूएसएसआर ठीक है, आप रशिया बोलेंगे। तो मौलिक कर्तव्य, अब अमेरिका ने हमें क्या सिखाया? मौलिक अधिकार। तो रूस ने हमें क्या बताया? भाई तुम्हारे कर्तव्य भी कुछ है। तो यूएसएसआर से हमने कर्तव्य लिए थे, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, यूएसएसआर से हमने मौलिक कर्तव्य लिए। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, मतलब हमारी जो प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श के बारे में हमने यूएसएसआर से लिया। तो इसने हमें सब चीजें क्या की है? सिखाई है। यूएसएसआर ने हमें क्या किया है? सिखाया है। ठीक है, ओके। तो सोवियत यूनियन संघ, जिसको हम भूतपूर्व पहले था यूएसएसआर, जिससे हमने मौलिक कर्तव्य लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श हमने यूएसएसआर से लिया। अब हम बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य, यहाँ से ले लिए, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए, अमेरिका, आयरलैंड, इससे क्या लिए हमने? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने आयरलैंड से लिया। आयरलैंड में इसको किससे लिया था? स्पेन से लिया था। और हमने किससे ले लिया? आयरलैंड से ले लिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हमने किससे ली? राष्ट्रपति का पद हमने किससे लिया? ब्रिटेन से लिया। ठीक है, राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, हमने किससे लिया? अमेरिका से लिया। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? एकल संक्रमणीय वोट पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये हमने किससे लिया? आयरलैंड से लिया। ये जो कैसा होता है सिस्टम, ये हम राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करते हैं राष्ट्रपति, ये हमने कहाँ से लिया? ये भी आयरलैंड से लिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करते हैं उसके बारे में हमने किससे लिया है? आयरलैंड से लिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रांस से हमने क्या लिया। फ्रांस से हमने लिया समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का सिद्धांत, गणतंत्र के बारे में हमने फ्रांस से लिया है। ठीक है, तो समानता, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, फ्रीडम और बंधुता के बारे में हमने फ्रांस से लिया। ये तीनों ही शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और गणतंत्र के बारे में हमने फ्रांस से लिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? हमारे तीन तरह की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संवर्ती सूची वो होती है जिसमें संघ और राज्य दोनों
कानून बना सकते हैं। तो ये समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक हो सकती है, संसद का लोकसभा और राज्यसभा की बैठक अलग अलग होती है जनरली, ठीक है, लेकिन इनकी कभी कभी संयुक्त बैठक भी हो सकती है। और ये बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। तो ये संयुक्त बैठक जो है उसके बारे में हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, समवर्ती सूची के बारे में हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से हमने के लिए संविधान में संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के से लिया है, ठीक है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता कैसे है, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारे जो राज्य हैं, राज्यसभा, तो राज्य जो हमारे हैं, स्टेट्स जो हैं, उनकी विधानसभा, कि उनमें भी विधानसभा होती है, उनकी विधानसभा में जो भी लोग होते हैं ना, उनमें से जो लोग चुनकर जाते हैं, कुछ लोग चुनकर जाते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। कितने टाइम में कितने लोग चुनकर जाते हैं, ये सब चीजें हम जब राज्यसभा पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया, संशोधन की प्रक्रिया, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरह से होगा ये। और एक चीज अभी मैंने बताया था कि राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करेंगे, ये हमने आयरलैंड से लिया है। अब राज्यसभा में सारे लोग निर्वाचित होकर नहीं आते, कुछ लोगों को राष्ट्रपति भी मनोनीत करते हैं, ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो कि हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है आयरलैंड से, ठीक है। 12 सदस्यों को राज्यसभा में करते हैं, लोकसभा में भी करते हैं, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, मतलब चुन लेते हैं कि इन दोनों को चाहिए। अब राष्ट्रपति खुद तो कुछ काम करते नहीं है, तो वो कौन करेगा, पूरा मंत्रिपरिषद या प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं वो उस मंत्रिपरिषद या प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही करते हैं। तो ये चीजें हमने ले ली। अब हम बात करते हैं जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया। तो जर्मनी से लिया है हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थान। हमारे देश में आपातकाल अगर लगता है, इमरजेंसी लगती है, तो हमारे जो भी अधिकार हैं या जो कानून है वो बहुत सारे चेंज हो जाते हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार हैं जो उस टाइम पे खत्म नहीं होते। तो मौलिक अधिकार किस तरह से काम करेंगे, उस टाइम पे कौन से खत्म होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये सब चीजें हमने किससे ली है, जर्मनी से ली है। तो जर्मनी से हमने आपातकाल के टाइम पे मौलिक अधिकारों का जो स्थान है उसके बारे में लिए, ठीक है। आपातकाल के समय मूल अधिकार जो है हमारे वो किस तरह से होंगे, तो उसके बारे में हमने जर्मनी से लिया है। अब कनाडा से सशक्त केंद्र की सात संघ की योजना, ठीक है, जो सशक्त केंद्र मतलब जो केंद्र है हमारा, सेंटर है, उसके साथ साथ संघ की हमारी योजना क्या होगी, हमने कनाडा से लिया है। केंद्र और राज्यों की भी सत्ता का वितरण किस तरह से होगा, केंद्र के लिए कुछ विषय हैं, कुछ राज्यों के लिए विषय हैं, ये मिलकर सरकार चलाते हैं। राज्यों में कौन कौन से विषय हैं जिन पे राज्य सरकार कानून बनाती है, कौन कौन से हैं जिन पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्यों को किस तरह से सत्ता दी जाएगी, केंद्र को किस तरह से दी जाएगी, ये हमने कनाडा से लिया है। केंद्र के पास बाकी शक्तियों का अधिकार, हमने भी आपको बताया था कि कुछ सूची ऐसी है, संघ सूची के कुछ विषय ऐसे हैं जिसपे संघ सूची के विषय, जैसे एक तीन तरह की एक तरह से लिस्ट बना रखी है। तो एक है संघ सूची, जिसमें संघ मतलब की यूनियन, मतलब की केंद्र सरकार जिसपे कानून बनाएगी। एक है राज्य सूची, जिसपे राज्य सरकार कानून बनाएगी, ठीक है। अब एक आती है समवर्ती सूची, जिसमें से दोनों, जिस लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं, संघ अगर बनाता है तो उसका माना जाएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे उस टाइम पे मान लीजिए कुछ विषय ही नहीं थे, मतलब कुछ ऐसा हमारा टॉपिक हमारे मन में ही नहीं आया, टेक्नोलॉजी आ गई, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी वाला विषय तो उस टाइम पे था ही नहीं। फिर टेक्नोलॉजी आ गई 90s में, तो अब बात आती है कि साइबर सिक्योरिटी का विषय, इस पे कौन बनाएगा। तो अपशिष्ट शक्तियां, कुछ ऐसी शक्तियां, बाकी शक्तियां जिन पे कभी फ्यूचर में आएंगी या हमने अभी इंक्लूड नहीं की, तो उन पर कौन अधिकार, किसका अधिकार होगा उस पे कानून बनाए, तो उस पर किसका अधिकार होगा, केंद्र का अधिकार होगा। तो ये सभी चीजें हमने किससे ली है, कनाडा से ली है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते। कनाडा से हमने सशक्त केंद्र के साथ संघ की योजना, केंद्र और राज्यों के बीच में सत्ता का बंटवारा, और जो अपशिष्ट शक्तियां हैं उस पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, ये सब हमने कनाडा से लिया। जर्मनी से हमने आपातकाल के टाइम पे मौलिक अधिकारों का जो स्थान है वो उसके बारे में लिया। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया ली, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में लिया, और हमने यहाँ पे आयरलैंड से क्या लिया, राष्ट्रपति जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करते हैं वो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, और राज्य की नीति निदेशक पद हमने इससे लिए, ठीक है। इसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया था, समवर्ती सूची ली थी, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली थी, ठीक है। ये बीच वाला रास्ता निकालते हैं हमेशा ऑस्ट्रेलिया वाले, संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची, राज्य और संघ सूची के अलावा भी एक सूची निकाल दी, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो।
फ्रांस से हमने क्या लिया था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और गणतंत्र, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद ही रखना होगा, ठीक है। ये आपकी जब हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे तब हम इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने यूएसएसआर से क्या लिया, मौलिक कर्तव्य लिए, कर्तव्यों के बारे में बताया उन्होंने हमें, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये हमने यूएसएसआर से लिया। अमेरिका से हमने अधिकार लिए, सुप्रीम कोर्ट लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की जजेस को कैसे हटाएंगे वो लिया, और जो राष्ट्रपति हैं वो तीनों बलों के, तो तीनों सेनाएं हैं उनके कमांडर होंगे, और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे, इसके बारे में हमने अमेरिका से लिया। ब्रिटेन से हमने नाम मात्र का राष्ट्रपति होगा, मंत्रिमंडल की व्यवस्था, मंत्रिपरिषद का निचला सदन के लिए जिम्मेदार होना, दो सदन वाली संसद और निचला सदन ज्यादा शक्तिशाली, संसदीय प्रकार, प्रधानमंत्री का पद, लोकसभा के अध्यक्ष, विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता के बारे में लिया। तो ये सभी चीजें हमने इन इन देशों से ली। तो ये हमने यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।